हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन एकेडमी। माय नेम इज़ डॉक्टर वरुण शर्मा और आप सभी का स्वागत है वन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। लेट्स गेट राजस्थान एग्जाम्स। और इज़ माय वॉइस एंड ऑडियो ऑल क्लियर टू यू? कैन यू प्लीज़ रिप्लाई मी ऑन दी चैट? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? इज इट प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? कैन यू प्लीज़ लेट मी नो? Because I'll take that as yes if you're not replying anything. So we'll be starting soon now. चलिए तो शुरू करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ लेट्स गेट राजस्थान एग्जाम्स स्पेशली फॉर RPSC RAS। एंड दिस इज़ अबाउट मी। आप मेरे बारे में, जो भी मेरा नाम डॉक्टर वरुण शर्मा है, और अगर आप मेरे बारे में और कुछ जानकारी चाहते हैं तो यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मूविंग फर्दर, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा दैट इज एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान पार्ट वन, जो इसमें मॉडर्न मेजर इंपॉर्टेंट जो हमको सिविलाइजेशनल रिमेन्स मिले राजस्थान के, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट वन के अंदर। क्योंकि लेंथी टॉपिक है तो ये दो पार्ट में खत्म हो पाएगा। तो आज हम ज़्यादातर जो कॉपर एज की सिविलाइजेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मूविंग फर्दर, क्यों अनअकैडमी, वाई अनअकैडमी? बिकॉज आपको अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलती हैं, और जो एजुकेटर्स मुझ जैसे बहुत से एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं रेगुलरली आकर, और जो आपके डाउट्स क्लियरिंग के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर टेस्ट और क्विजेस मिलेंगे, प्लस यू विल बी गेटिंग ऑल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में उनके सारी हम पढ़ाई करवाएंगे यहाँ पर। सब सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी जो RAS रिलेटेड हैं सारे। एंड यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस से मेरा मतलब है कि आप कितनी बार भी चाहें वीडियोज़ देख सकते हैं, यहाँ पर कोई रोक नहीं होगी वीडियोज़ को देखने की। एंड जितनी बार आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे अब उसके बाद आराम से इनको वीडियोस को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और जो टॉप एजुकेटर्स है राजस्थान से रिलेटेड, RPSC से रिलेटेड, वो सब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इनमें से कुछ से आप ऑफलाइन भी पढ़े होंगे। हर्षवर्धन, यूट्यूब वाले नोट्स आई एम अफ्रेड PDF पे मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, उसके लिए प्लस पे जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ। और प्लस पे जुड़ने के साथ आपको मैं सारे जो नोट्स है वो वर्ड फॉर्मेट में दूंगा PDF में, रादर नॉट इन PPT, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है PPT में, आप वो कहीं पे एरर आ जाते हैं बीच बीच में। तो वो वर्ड फॉर्मेट में आपको PDF पे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। बट उसको आपके आप उसके लिए आपको प्लस पे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहानी है। प्लस पे शुरू हो जाएगी मंडे से, ठीक है। प्लस पे मंडे से क्लास शुरू हो जाएगी आज, सो डोंट वरी अबाउट इट। मंडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। तो क्योंकि बड़ा टॉपिक है, 60-70 नंबर आते हैं उसके अंदर से, तो मैं चाह रहा था सबसे पहले उसको कंप्लीट करा दिया जाए। मेजर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी हद तक आपके पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है, तो कुछ पार्ट उसमें हम वो भी कवर कर लेंगे, तो उसके हिसाब से हम वो पूरा कवर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। सब्सक्रिप्शन का रोशनी में अभी बता देता हूँ आपको, जस्ट दो मिनट अभी आगे उसी साइड पर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कुछ अपकमिंग कोर्सेज है जो हिंदी के अंदर आ रहे हैं। पटवारी के एग्जाम के लिए राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, ये मैं इंग्लिश में करा रहा हूँ, गोविंद राम सैनी जी हिंदी में करा रहे हैं। और उसके अलावा मैं आपको PDF हिंदी में भी दे दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर ये संगीता मैम है, तरुणा शर्मा मैम है, ये भी पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे RPSC के अलग अलग एग्जाम्स के लिए, फर्स्ट ग्रेड के पेपर के लिए, जो वाईफाई स्टडी जो RPSC के सब जो अनअकैडमी के सब चैनल है उसी के अंदर, और वीकली टेस्ट होंगे आपके RPSC RAS के लिए, ठीक है। इसके अलावा हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी मुझसे भी पूछा है रोशनी जी ने। तो रोशनी जी देखिए, आपको ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा इसी को डाउनलोड करें। आई एम रेफरिंग टू एवरीवन एल्स, ठीक है। और आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन का ऑफर आएगा, उसके ऊपर आप तो मेरा रेफरल कोड ध्यान रखिएगा 10BS। जैसे ही ऑफ कोड आप डालेंगे तो आपको 10% अपफ्रंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसे गिफ्ट बॉक्स बना हुआ आएगा, यहाँ पर आप रेफरल कोड डाल दीजिएगा, आपको 10% अपफ्रंट डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि जो 12 महीने का है वो 7,000 का है, तो ये आपको 6,300 का पड़ेगा, और जो 8,400 का है 2 साल का, वो आपको 7,560 रुपये का पड़ेगा, 10% अपफ्रंट आपका कट जाएगा। बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर आप कितनी बार भी वीडियोज़ चाहें देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उनको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रख सकते हैं। और उसके अलावा ये सिर्फ मैं ही नहीं और जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सबसे आप पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ मेरे कोर्स के लिए पैसा नहीं है, जितने भी और मैंने बताया RPSC के सारे एग्जाम्स, पटवार देना चाहें, चाहे आप RPSC RAS देना चाहें, जो भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए आप इसी प्राइस के अंदर पढ़ सकते हैं पूरे 2 साल के लिए, 7,560 के लिए। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, आई थिंक डील टू स्टील है। राजस्थान में आपको पता है एग्जाम बहुत आगे पीछे होते रहते हैं, कोर्ट के से चलते रहते हैं, तो इसीलिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। तो आपको प्लीज़ इस पे प्लस पे ज्वाइन करें, हम लोग पूरी तैयारी मेंस के हिसाब से करेंगे, प्री के भी करेंगे। सो मूविंग फर्दर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान है, जिसके हमारे यहाँ बहुत अवशेष मिले हैं और ये सब चीज़ें। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ, मेरी PDF अभी यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंग्लिश के अंदर है, बाकी हिंदी के अंदर आपको वर्ड फॉर्म के अंदर सारी मिल जाएंगी। गुड मॉर्निंग अब्बास।
ठीक है, तो वो सारी आपको मिल जाएंगी, तो आप जैसे भी चाहें उनको ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको प्लस पे जोड़ना पड़ेगा। चलिए, सो मूविंग फर्दर, एग्जैक्टली हिस्ट्री होता क्या है, हम लोगों ने बहुत, जैसे कल था वो भी हिस्ट्री हो गई, जो एक साल पहले थी वो भी हिस्ट्री हो गई, और जो 10 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले वो भी हिस्ट्री हो गई, तो क्या हम हर चीज़ को रिकॉर्ड रखना शुरू कर देंगे कि हर चीज़ हिस्ट्री बन जाएगी? तो ऐसा नहीं है। तो हिस्ट्री के अंदर हम उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जिनकी वजह से पूरी दिशा और दशा बदल जाती है, दी कंडीशन एंड सिचुएशन चेंजेस अकॉर्डिंगली, ऐसे कुछ इवेंट्स जिनको रिकॉर्ड किया जाता है जिसकी वजह से उनका इफेक्ट मॉडर्न डे लाइफ पर पड़ रहा है, तो उन चीज़ों को हिस्ट्री के अंदर कहा जाता है। और उनकी भी क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग, मतलब तारीख के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग की जाती है कुछ ऐसे इवेंट्स की जो पुराने टाइम पे हुए हैं, लेकिन एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक, आज तक का, प्रेजेंट डे तक का, जिसकी वजह से आपको कंसिडरेबल इम्पैक्ट पड़ा है ह्यूमैनिटी के ऊपर और ह्यूमन रेस के ऊपर, मानवता के ऊपर और मानव के जीवन पर, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, उसको हम हिस्ट्री कहेंगे, इतिहास उसको कहा जाता है। ठीक है, और हमारी समझ के अभी तक, देखिए वैसे तो इतिहास जो है वो कंटिन्यूस है, उसको हम बांट नहीं सकते हैं ज़्यादा, लेकिन हमारी समझ को अच्छी तरह डेवलप करने के लिए फॉर आर कन्वीनियंस हमने हिस्टोरिकल जो टाइम स्केल है उसको 3 चीज़ों में बांट दिया है, जो कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। इसको मॉडर्न हिस्ट्री भी कह सकते हो आप, प्री हिस्टोरिक, प्रो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया के टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वैसे लेकर चलिएगा। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसका मतलब होता है जब हमारे पास उसके बारे में कोई रिटन मटीरियल नहीं है। ठीक है, वो समय जिसके बारे में हमको, आप डायनासोर का ईरा कह लीजिए या प्री क्रैम्ब्रियन कह लीजिए, क्रेटेशियस ईरा कह लीजिए, इस तरह का जो टाइम था जहाँ पर हमारे बारे में, हमारे पास उसके बारे में कोई लिखित सामग्री नहीं है, रिटन इन्फॉर्मेशन कोई हमारे पास नहीं है, और उस टाइम कैसा मानव था, था भी नहीं कि उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। और जो हंटर गैदरर वाला जो टाइम पीरियड था ह्यूमंस का, जब वो डेली के लिए जीते थे, केव्स में रहते थे, उस तरह के टाइम पीरियड को आप प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड कह सकते हो। एक टाइम तो वो भी था जब उनके पास कोई आश्रय नहीं था, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उसको भी आप प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जानकारी हमको आर्कियोलॉजिकल मटेरियल के बारे में मिलती है, कुछ इन्फ्रेंसेज मिल जाते हैं जिनके बारे में हम देखकर, जिसकी वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय का मानव जो था वो इस तरह का जीवन जी रहा था या इस तरह की लाइफस्टाइल उनकी थी, तो उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। फिर आपके आता है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर देखिए वो टाइम मिलता है जहां पर हमको आदमी को लेखन कला का तो ज्ञान हो गया था, ही बिकेम फेमिलियर विद द आर्ट ऑफ राइटिंग, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट जो है वो हम तक अभी पढ़ नहीं पाए हम अभी तक। जैसे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जो ब्लू स्ट्रोफ एडन किसको कहा जाता है, जो उल्टे, जो राइट टू लेफ्ट चलती है, वो हम पढ़ नहीं पाए, डिकोड नहीं कर पाए उसको, तो हमारे पास में सीमित जानकारी है। हम जो उनकी सील्स हैं, उनके पास जो आर्टिफैक्ट हमको मिला है, उसको देखकर हम जानकारी जुटा पा रहे हैं, तो उसको प्रोटोस्टोरिक टाइम पीरियड कहा जाता है। और जब ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो रीडेबल फॉर्म में हो गई थी, जब रिटर्न भी आ गई थी और जब उसके बारे में हमको सारा सामग्री मिलने लग जाती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा हमको मिलने लग जाता है कि कैसे लिखता था, उसको हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। क्या लाइफ स्टाइल थी उसके बारे में, कैसे हमको चाहे इमेजेस बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने, या उन्होंने क्या कहते हैं लिखना शुरू कर दिया था, जो उनकी जो स्लिपियाँ मिली हैं हमको या जो टेबलेट्स मिली है उसके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो हम इंक्लूड करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर। ठीक है, जिसको हम जैसे वैदिक ईरा की बात हम करते हैं, तो लेटर वैदिक, ऋग वैदिक ईरा, जो दोनों थे उन सबके बारे में हम उनको वैदिक ईरा के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। और वो टाइम था जब हमको लेखन कला के बारे में ज्ञान भी था और उसको पढ़ा भी जा सकता, दोनों चीज़ें हो गई थी, तो वो हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। और राजस्थान के अंदर हम जो तीनों काल हैं इस तरह के, 3 कालाज, ठीक है, वी विल बी स्टडिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, जो टाइम स्केल कह लीजिए, या मैंने चला के काल लिखा है क्योंकि थोड़ा सा एक ये जो वर्ड्स हैं यूज़ करने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको ऑथेंटिसिटी लगे आपकी चीज़ों में, इंग्लिश के मीडियम के अंदर भी। ठीक है, जो टाइम स्केल है उसके तीनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम राजस्थान को इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक ईरा इन राजस्थान। अब देखिए, प्री हिस्टोरिक ईरा जो था राजस्थान का, वो इट रिवील्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन, किस तरह से मानवता का विकास हुआ था राजस्थान के अंदर। ठीक है, या आप एक तरह से मान लीजिए पूरी पृथ्वी पर जो मानवता का विकास हुआ था, तो ह्यूमन एवोल्यूशन जो डेवलप हुआ था वो किस तरह से डेवलप हुआ था, कौन कौन से रीजन्स थे उसमें, राजस्थान के कौन से पार्ट लगते थे, क्योंकि सिविलाइजेशन तो है नहीं सिर्फ राजस्थान में डेवलप होकर रह गई थी, तो सब जगह बड़ी है, तो हम सब हर पार्ट को इंक्लूड करते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है वो हमको मिलती है ज़्यादातर उनके जो स्टोन टूल्स जो यूज़ करते थे। ठीक है, जो स्टोन एजेस जो ईरा था उसके अंदर पत्थरों के जो टूल्स यूज़ करते थे उससे हमको ज़्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है, ये करीब करीब 1.5 लाख साल पुराने, 1.5 लाख ईयर्स ओल्ड, और इनके बारे में जो हमको जो एविडेंस मिलता है वो हमको मिलता है जो आपकी जो नदी घाटियाँ हैं, जैसे बनास की है, बेड़च की है, गंभीरी की है, चंबल की है राजस्थान के अंदर, तो उन सब से हमको, इन सब वैलीज के पास से जो घाटियाँ हैं, नदी घाटियाँ हैं, उनके आसपास से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये जो प्री हिस्टोरिक ईरा है राजस्थान को, उसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं, एक तो पेलियोलिथिक, एक मीजोलिथिक और एक नियोलिथिक, फिर नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल। ठीक है, या पुरा पाषाण काल ऐसे कह लीजिए आप।
ठीक है, तो तीन हम जो ईराज है इनको डिस्कस करते हैं यहाँ पर आकर। ऑल सब्जेक्ट्स की बनाना प्लीज सर। आरएएस एंड मेंस के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ने ऑल? देखिए रोशनी जी, मैंने एक बुक लिस्ट पहले बनाई है जो ओवरऑल मैंने बनाई थी, जो फर्स्ट मेरी क्लास थी मैंने अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर आरएएस एग्जाम वो इंग्लिश मीडियम के लिए तौर पर बनाई थी मैंने, उसमें हिंदी मीडियम की बुक्स भी काफी इंक्लूडेड है, तो वो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब इवेंचुअली मैं पेपर 1, 2, 3, 4 सारे पेपर डिस्कस करूंगा, उसके हिसाब से हम लोग एक आउटलाइन बनाएंगे कि कैसे हमको उसके बारे में पढ़ना है और किस तरह से उसको मूव करना है, तो हम पेपर वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आई थिंक आज हो गया है थर्सडे और मंडे से मेरी पहली क्लास शुरू होने वाली है प्लस चैनल पर, तो मैं चाह रहा था एक स्पेशल क्लास में आपको उसके बारे में बता दूँ लेकर, जो सबके लिए फ्री है, आपको बस अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको प्लस प्लस क्लास को देख पाएँ। फ्री क्लास होगी जो मैं स्पेशल क्लास बनाऊंगा, तो आपको जो लोग प्लस पे आने में झिझक रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म समझ में आएगा कि प्लस किस तरह से काम करता है, तो वो आप उस पर क्लास लेके देखिएगा। एक मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा यूट्यूब पे मेरी अगली क्लास में, आई थिंक कल या परसों की क्लास के अंदर मैं लिंक भेज दूंगा, तो आप सब लोग शेयर कर लीजिएगा आपस में, तो उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी प्लस क्लास के बारे में। तो आप एक बार वो फ्री क्लास लेके आपको सन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो उस पर आप आकर देखें, उसको फील करें, आपको सही लगे तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये प्री हिस्टोरिक एज ऑफ राजस्थान के हम यहाँ बात डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेलियोलिथिक एज। तो पेलियोलिथिक एज वही पुरापाषाण काल, ठीक है, और पूर्व पाषाण काल, उसके अंदर आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो जो उसका टाइम पीरियड था वो 24,000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक का था, ये टाइम पीरियड था इसका मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो टूल्स थे, जो ह्यूमन टूल यूज करता था, वो हैंड कटर हो गया, हैंड एक्स कह लीजिए, उसके अलावा स्क्रैपर, खाल छीलने के लिए जो होता था स्क्रेपर एक यूज करते थे, और एरो हेड्स, वो पहने पहने नुकीले बनाए, उसमें बाण तो पूरी तरह नहीं होते थे, डंडा नहीं होता था पीछे उसके अंदर, बट पत्थर को ही तोड़ के अच्छी कैपेसिटी से पकड़ा जा सके, इस तरह के टूल्स बनाते थे ताकि वो काटने के लिए, क्योंकि हंटर गैदरर ह्यूमन था तो उनको काटने के लिए जो चीज़ें काम में आ सकती है वो चीज़ें उस तरह से यूज़ किया करते थे। और राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ से आपको पेलियोलिथिक टूल्स मिले, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मेंस के अंदर तो आप पेलियोलिथिक एज है क्वेश्चन में इतनी चीज़ें लिख के आ जाएंगे, तो आपको पूरे क्वेश्चन पूरे नंबर मिल जाएंगे इसके अंदर, चाहे 5 मार्क का हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, 3.5-4 नंबर जो कि बहुत अच्छे नंबर है, और 10 का हो तो आपको 6 से 7 नंबर इसमें आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जो टूल्स मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आप पूरा फैक्चुअल चीज़ें डाल रहे हैं तो बहुत फैक्चुअल चीज़ों पर नंबर मिलते हैं, एक एक चीज़ पर नंबर मिलते हैं जो लिखते हैं आप उस पर। ठीक है, तो आपके भैंसरोड़गढ़ और जो नवघाट, ये जो बामनी रिवर के जो किनारे के ऊपर बैंक्स के ऊपर जो जगह है वहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर, भीलवाड़ा से मिले हैं, बनास नदी के किनारे हमीरगंज, जहाजपुर और बीगोद, और गंभीरी और बेरच नदी के किनारे जगह मिली हैं खोर, ब्यावर, बालूखेड़ा, नगरी चित्तौड़ के अंदर आ गया, ब्यावर आपके अजमेर के पास आ गया। ठीक है, तो ये, और जो जोधपुर की जो ये लूनी नदी की जो घाटी है, लूनी की जो वैली है, वहाँ पर आपको इन जगहों से पेलियोलिथिक टूल्स मिले अब तक के लिए, ये सारा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको सिंगरी और पाली के अंदर भी जो गुहिया और बांडी रिवर के किनारे है, बांडी जयपुर के पास पड़ता है, तो उसके अंदर आपको ये सिंगरी और पाली रिवर के आसपास आपको यहाँ पर भी इस तरह के टूल्स मिले हैं। और इस समय का जो मानव था वो बार्बेरिक था, बार्बेरिक मतलब वो आदि मानव की तरह से रहा था, आदिम मानव जो था पूरा उस तरह से था, एंड यहाँ पर उनके लाइफ रहने के लाइफ स्टाइल के अंदर और जानवरों के रहने के लाइफ स्टाइल जो वाइल्ड क्रीचर्स थे उनके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं था। देखिए रेप्लिका मिलती है आपको देखने से, क्योंकि हम लोग देखकर सीखते हैं चीज़ों को, तो जिस तरह से एनिमल्स बिहेव करते थे उसी तरह से ह्यूमंस इनिशियली बिहेव करते थे, देवर नॉट अवेयर अबाउट देयर एग्जिस्टेंस कि कैसे काम होता है, कैसे मूव करना है, उनके पास दिमाग था बट बहुत लिमिटेड ब्रेन यूज हुआ करता था उस टाइम पर। अगर आप जो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, रेमापैथिकस, ऑस्ट्रेलियापैथिकस और ये सारे जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, होमो सेपियंस सेपिया और होमो सेपिया, इस तरह का नियांडरथल मैन, 1470 मैन, तो ये सारे आपको पता लगा किस तरह से आपका जो एवोल्यूशन हुआ है शुरू से अब तक का, तो वो पूरा इसी टाइम पीरियड से, इसी समय सारिणी के हिसाब से आपका जो मूवमेंट हुआ है, तो वो आपको जानकारी मिलनी चाहिए, रहनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आदमी केव्स में रहता था, केव हाउसेज में रहा करते थे, जो कि आपके विराटनगर जयपुर के पास जगह वहाँ मिला, और दर भरतपुर, यहाँ दो जगह से मिला है, लेकिन इनके अंदर पेंटिंग्स नहीं मिली है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये यूपीएससी के अंदर भी पूछी जाती है और ये प्री के अंदर ही पूछी जा सकती है आपके आरएएस के अंदर, कि जो पेलियोलिथिक एज थी वो क्या आदमी वहाँ पर चित्रकला से वाकिफ था, तो ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा, नो पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन दीज केव्स। ठीक है, जैसे भीमबेटका में मिलती, पर वो मीजोलिथिक एज के अंदर, नियोलिथिक एज के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो पेलियोलिथिक एज थी, जो पुरापाषाण काल था, वहाँ पर आपको ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में जो जानकारी वो इसी में इतनी सीमित है जो मिली है, और पेंटिंग का ज्ञान उनको नहीं था। ठीक है, आर्ट कल्चर पेंटिंग का कोई ज्ञान नहीं था। चलिए, इसके बाद आपके आता है मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, ये आपके 10,000 से 9,000 BC के बीच का है, 1,000 साल के आसपास की जगह,
और यहाँ पर जो टूल थे वो ऑलमोस्ट कॉमन ही थे पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक के, पर हमने टाइम फ्रेम में डिवाइड करने के लिए इसको अलग अलग कर दिया है। तो मध्य पाषाण काल ऑलमोस्ट पूरा पाषाण काल जैसा ही था, थोड़ा सा हम लोगों का ब्रेन साइज बढ़ गया था, उसके अलावा जो हमारे इक्विपमेंट्स थे वो लाइट हो गए थे, हल्के हो गए थे, पर वही चीजें थी जैसे स्क्रेपर हो गया, पॉइंट हो गया, हमर हो गया, इनके बारे में फोटोग्राफ्स मैं आगे की स्लाइड्स में दिखाता हूँ आपको, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। और ये जो इक्विपमेंट्स थे वो छोटे हो गए थे साइज में, क्योंकि बड़े बड़े मूव करना उनके उनसे आपकी स्पीड कम होती थी, तो जब आप हंटिंग कर रहे हो तो जो आपके इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो उसी तरह के ईजी होने, हल्के होने चाहिए और वो स्पीड से काम में लेने चाहिए, और जब तक वो बड़े और भारी रहेंगे तब उनको मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसके थ्रू आपका, तो आप उनको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो इस वक्त के जो आपके ये डॉक्यूमेंट ये जो आपके इक्विपमेंट्स थे टूल्स थे तो वो बहुत लाइट हो गए थे और छोटे हो गए थे साइज के अंदर, इजी टू कैरी हो गए थे, ठीक है। अब मेगालिथिक टूल्स जो बड़े पत्थर के, यहाँ पे ये मेगालिथिक ये ध्यान रखिएगा, ये आपके जो पत्थरों की बात हो रही है मेगालिथिक, इनको पत्थर कहा जाता है, ये एज की बात नहीं है, ठीक है। तो ये पत्थर है मेगालिथ, मीजो और आपके माइक्रोलिथ, ठीक है। तो इन पत्थरों के जो उनको मेगालिथ और जो ये आपके बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बड़े पत्थर, और क्योंकि जरूरत नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं, एक होता है माइक्रोलिथ्स, तो जो कंफ्यूज होते हैं उनको मैं बता देता हूँ, माइक्रोलिथ का मतलब होता है फिर छोटे पत्थर जो होते हैं उनसे बने औजार या इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये आपके जो ये शिलालेख हो गए, इस तरह के छोटे छोटे जो उस टाइम पर जो भी शिलालेख तो नहीं एग्जैक्टली, बट जो छोटे पत्थरों का यूज़ किया जाता था केव्स बनाने को और इन सब के लिए, तो उनको छोटे पत्थर तो वो माइक्रोलिथ्स कहलाते थे, ठीक है। तो जो मेगालिथ टूल्स थे, जो बड़े पत्थरों के बने हुए टूल्स थे, वो राजस्थान में मिले आपके बागौर भीलवाड़ा से, लूनी रिवर की जो घाटी है वो जोधपुर से, और बेरच की जो घाटी है वो आपके चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। और यहाँ पर आपको बागौर के पास पास से एनिमल हस्बेंड्री के भी वो मिलते हैं आपको, ट्रेसेस रिमेन्स या एविडेंस प्रूफ जो मिलता है वो यहाँ से भी मिलता है, तो बागौर का आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ भी मिली है, ठीक है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो शिफ्ट हुआ था वो यहाँ पर, वो ये हुआ था कि मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मीजोलिथिक एज के अंदर आदमी ने डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और ये जो आपकी पेलियोलिथिक एज थी वहां पर आप वहां पर नहीं करता था, 24,000 BC 10,000 BC तक आदमी को ज्ञान नहीं था कि आदमी को एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, चाहे गधा हो, चाहे बुल हो, चाहे कुत्ता हो, घोड़ा हो, इनको आइडिया नहीं था, लेकिन मीजोलिथिक एज में इनको आइडिया हो गया था। बट लेकिन फिर भी ये एक नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक मतलब घूम फिर के बंजारे जैसी जिंदगी जिया करते थे, घुमंतू जो थे वैसी जातियां थी इनकी, वैसी इनकी लाइफ स्टाइल थी, ठीक है। ही वॉज स्टिल नॉट अवेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इनको अभी भी कृषि के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, कृषि के बारे में इनको अभी भी कोई ज्ञान नहीं था, तो ये चीज इनको इनके पास अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो ये इस तरह के टूल्स थे, ये आपकी हैंड एक्स हुआ करती थी, ये देखिए हैंड एक्स इस तरह की थी, ये एक तरफ कोना होता है तो हाथ में पत्थर पत्थर, ये वाला एग्जांपल ज्यादा बेटर है हैंड एक्स का, ठीक है। इसके अलावा स्क्रेपर हुआ करते थे खाल छीलने के लिए, देखिए स्क्रेपर हो गए, और चॉपर होते थे, ठीक है, ग्राइंडर, इनको इन बड़े पत्थरों से ग्राइंड करते थे, एरो हेड्स इस तरह के हो गए, ये एरो हेड्स हो गए आपके हमारे, ठीक है। तो ये इस तरह के अलग अलग जो इस टाइम पे जो पेलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे, स्टोन एज के टूल्स थे, वो सारे ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं। इमेज ध्यान रहती है तो आपको क्या है रिलेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर मैं हैंड एक्स बोला तो आप हत्ता सोच रहे होंगे, वो नहीं होगा क्योंकि वो हत्ता उसमें नहीं होता है। तो इसी तरह से पत्थर की देखिए इसकी एजेस शार्प आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे पोला है, तो यहाँ पकड़ने के लिए आसान होता था, और यहाँ से इनको काटा तो जो मीट होता था स्किन उतारने के लिए तो स्क्रेपर यूज कर लेते थे, मीट को बोन्स को तोड़ने के लिए ये बड़े पत्थर इस तरह से यूज कर लिया करते थे, हमर किस को कहते हैं, ठीक है, एरो हेड्स यूज करते थे काटने के लिए, और ठीक है। तो ये चीजें इस तरह की टूल्स ये यूज करा करते थे। चलिए इसके बाद आपके आता है नियोलिथिक एज, तो यहाँ पर ह्यूमन बहुत ज्यादा एक चेंज शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर। तो यहाँ से जब तो ये जब शिफ्ट होता है तो 9000 जो टाइम पीरियड इनका 9000 से 3000 BC है, देखिए इसके आसपास फिर हमको सभ्यता का ज्ञान होने लग जाता है, तो ये वो वाली टाइम है, हम लेखन कला के बारे में जानते हैं, हम पढ़ पाते हैं इनके बारे में, सारी चीज़ें हमको जानकारी हमको मिल जाती है, ठीक है। तो इस समय पर जो आदमी ने सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिया, मतलब बस्तियाँ, ह्यूमन सेटलमेंट्स बनना शुरू हो गए थे, बस्तियां बनना शुरू हो गई थी यहाँ पर। अब लोगों ने ह्यूमंस ने घूमने के बजाय, घुमंतु जीवन जीने की बजाय ग्रुप में रहना और बसना शुरू कर दिया था, ठीक है। साथ ही में कृषि का भी ज्ञान हो गया था, तो ये ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड के दौरान आदमियों को कृषि का ज्ञान हुआ था और एनिमल हस्बेंड्री डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो चुका था, जो इसी का एग्जाम्पल था कि परमानेंट सेटलमेंट वाला आइडिया ह्यूमंस के हिसाब से रहने का, क्योंकि खाने की चीज सिक्योर हो गई थी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लग गया था, साथ ही आपको एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था, तो जो मूवमेंट होता था गुड्स का वो आसान हो चुका था, एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए आप गाय बैल और इस तरह का और एनिमल हस्बेंड्री से आपको दूध की जो गाय को इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, तो इनको दूध की कमी नहीं होने लगी, तो फिर इसकी न्यूट्रिशन बढ़ गया, तो इन्होंने एक जगह रुकना टिकना, फिर पैश्चर्स होने चाहिए थे जहाँ पर आप एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड कर रहे हैं और वो आपको रिवर वैलीज के आसपास ही मिलेंगे, तो इसलिए उन्होंने फिर वहाँ पर सेटल होना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ इंसान इस टाइम पर पॉलिश टेराकोटा, टेराकोटा मतलब मिट्टी के बर्तन,
टेराकोटा यूटेंसिल में मिट्टी के बर्तन को यूज करना शुरू कर दिया, जो पॉलिश होते थे, रफ नहीं हुआ करते थे, ठीक है, तो वो उन्होंने शुरू कर दिया, और वेपन्स भी बनाना शुरू कर दिया, वेपन्स बनाकर इनको यूज करना शुरू कर दिया। और जो इनके जो जो लोग मर जाए थे, जो मृत हो जाया करते थे, उनको ये नॉट थ्रोन अवे बट दे वर बरीड इन द ग्राउंड। तो यानी कि ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पे सोशल शिफ्ट हुआ था, कल्चरल शिफ्ट हुआ था, कि जो पहले के पुरा जो पेलियोलिथिक ईरा के टाइप जो लोग थे या आपके जो मीजोलिथिक ईरा के लोग थे, उनमें से कोई मर जाया करता था तो उसकी लाश को वहीं छोड़ के वो आगे चल दिया करते थे, दे कुडंट कैरी इट फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजन, ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिलती है कि जब उनके सेटलमेंट शुरू हो गया था तो बहुत ज्यादा दूर नहीं दफना कर जिस जगह वो रहा करते थे उसी के आसपास उन्होंने दफनाना शुरू कर दिया था। वो सारी इमेजेस भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये सारी आपको इनके जानकारी मिलती है, इनके रहन सहन के बारे में, इनके पूरे जो ऑपरेशनलाइजेशन करते थे उस तरह के बारे में जानकारी बेसिक मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिक नीडियोलिथिक ऐसी बात करूँ, मैं सभ्यताओं की बात आगे करना शुरू करूँ कि किस सभ्यता में क्या क्या चीजें हमको मिली हैं, तो ये आइडिया भी यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों चीजों का ये मैंने हिस्टोरिक टाइम पीरियड को डिवाइड किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी लोकेशन में क्या क्या चीजें मिली थी हमको। चलिए, इसकी तो फिर जो नियोलिथिक साइट्स राजस्थान के अंदर, वो वही ज्यादातर वही है, बागोर भीलवाड़ा है, तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है, भैंसरोड़गढ़ और नवघाट आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, जहाजपुर हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, गिलुंड भी चित्तौड़ के अंदर है आपके, और देवली और भरनी टोंक के अंदर है। तो ये सारी चीजें ये साइट्स हैं। अब आप ये पूछेंगे कि सर पेलियोलिथिक एज में भी एक दो साइट्स थी और ये जहाजपुर है, हमीरगढ़ है और आपके भैंसरोड़गढ़ तो, और बाद में नियोलिथिक में भी, तो देखिए इवेंचुअली आदमी घूम फिर के बहुत लंबे, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स तो थे नहीं, तो बहुत लंबे तो डिस्टेंस से ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो एक लिमिटेड मूवमेंट हुआ करता था और वापस ही आसपास घूमकर जाएं, क्योंकि नदी पानी वानी की जरूरत हमेशा पड़ती रही, तो आसपास हमेशा जो रिवर वैलीज थी उनके आसपास ही सेटलमेंट रहे इनके बाद में भी, और पहले भी थोड़ा जंगल के अंदर चले जाया करते थे या थोड़ा बाहर आ जाया करते थे, उसके हिसाब से काम करा करते थे, ठीक है। तो ये अपने हिस्ट्री के जो तीन हीरो हैं जो टीम टाइम्स के लिए वो डिस्कस किया। चलिए, अब ये जो साइट्स जो रॉक पेंटिंग की साइट्स मिली हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि नियोलिथिक एज के अंदर आपको देखिए ये नियोलिथिक टूल्स के अंदर थोड़ा चेंज आ गया था, इन्होंने हैंड हत्था बनाना शुरू कर दिया था, ये जो पत्थर जो शार्प वेपन्स थे उनको यूज करना शुरू कर दिया था, ये वाली आपकी एक्स हो जाएगी एक तरह से पूरी, ठीक है, जिसके अंदर हत्था भी हो गया, ये हैंड एक्स नहीं है, ये आपके स्क्रेपर के लिए और एरो हेड्स जो यूज करते थे वो हो गया, ये आपके हमर हो गया जो तोड़ने के लिए, बोन्स को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए, तो इस तरह के जो वेपन्स थे वो यूज करने शुरू कर दिए थे। और जो आपके राजस्थान के अंदर जो पेंट रॉक साइट्स की जो पेंटिंग मिली है वो छज्जा रिवर मिला है बूंदी के पास, हरसुरा मिला है अलवर के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है प्री और मेंस दोनों के अंदर, मेंस में दोनों पूछ सकते हैं कि दो साइड लिख दीजिए, तीन साइड लिख दीजिए, चार लिख दीजिए, तो आप पांचों लिख के आना, दो पूछे तब भी नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अलानिया, कोटा, विराटनगर, जयपुर और सोहनपुरा, सीकर, तो ये पांच ऐसी जगह हैं जहां पर राजस्थान में आपको रॉक पेंटिंग्स पत्थरों पर बनी हुई आकार की वो जो अलग अलग आकार है वो मिलते हैं देखने को, तो ये चीजें यहाँ पर मिली हैं, ठीक है। चलिए, और अब थोड़ा बेसिक डिफरेंस आप बताता हूँ मैं टूल्स के अंदर, जो पेलियोलिथिक एज के अंदर और नियोलिथिक एज में डिफरेंस था, जो पेलियोलिथिक एज थी वहां पर जो टूल थे वो सिंपल शेप के हुआ करते थे, पत्थरों के होते थे, और जैसे कटर हो गया, स्क्रैपर हो गया, हैंड एक्स हो गया, तो ये देख लीजिए आप, ये जो हैंड एक्स हो गया, इसके अलावा ये स्क्रैपर हो गया पतला सा है, और ये दे यूज स्पीयर टिप्स एंड स्टिक्स, ठीक है। तो जो स्पीयर टिप्स का मतलब हो गया जो भाले, जैसा स्पीयर होता है भाला, तो भाले के जो नुकीला पोर्शन होता है इस तरह का एरो हेड का, तो ये चीजें यूज करते थे वो ऐसी, ठीक है, जैसे हाथ से पकड़ा यूज करते थे, तो खुद को चोट लगने का भी नुकसान ज्यादा रहता था, ठीक है, तो ये चीज यूज करते थे, या फिर लकड़ी के ऊपर बांध कर यूज करा करते थे। और नियोलिथिक के अंदर आपके ज्यादातर जो यूज थे वो ग्राउंड स्टोन का होने लगे थे, जो बेसिक पत्थर जो मिलते हैं उसका, बहुत एडवांस शेप के टूल्स यूज किए थे, जैसे कि बोज एंड एरोज वेपन यूज शुरू हो गए थे, एंटलर, वुड प्लाउज, लकड़ी के जो आपके हल हो गए थे वो यूज करना शुरू, उन्होंने खेती का ज्ञान होने लग गया था, तो लकड़ी के जो आपके जो हल है वो यूज करने लगे थे, वुडन प्लाउज यूज करने लग गए थे, और देखिए मेटल का यूज यहाँ पर जानकारी इनको होने लगी थी, मेटल्स की जानकारी इनको हो गई थी, खासतौर से कॉपर की, तो ये यहाँ पर कॉपर भी यूज करने लगे थे, चालकोलिथिक एज शुरू हो गई थी यहाँ पर इसीलिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह के आप देख सकते हैं साइजेस के अंदर अलग अलग चीजें मिल गई थी। और टेक्नोलॉजी कैसी थी, जो पेलियोलिथिक के लोग थे वो हंटर गैदरर थे, तो हंटर गैदरर के हिसाब से वो रुकते नहीं थे, तो उनके टूल्स भी ऐसे ही थे, बास्केट्स के या स्किन बने होते थे, स्टोन टूल्स होते थे, ठीक है। और जो नियोलिथिक थे वो फार्मिंग के टूल बनाते थे, ठीक है, क्योंकि ये किलिंग के लिए टूल बनाते थे, हंटिंग गैदरिंग के लिए, और ये बनाते थे फार्मिंग के लिए, जैसे कि अपने पॉटरी हो गई थी, बाद में मेटल वर्क हो गया था, स्पिनिंग व्हील जिसकी वजह, या वीविंग भी, क्योंकि इन्होंने सेटलमेंट में रहना शुरू कर दिया था, तो कपड़ों की भी आवश्यकता हो गई थी, कपड़ों का ज्ञान हो गया था इनको, कॉटन की हमको साक्ष्य मिले राजस्थान के अंदर भी कई जगहों से, तो वो सारी इनको जानकारी हो गई थी, तो वो भी यहाँ मिलना शुरू हो गया था। तो इस तरह के ये बेसिक दो टूल्स के अंदर आपको डिफरेंस और मिल जाएगा टेक्नोलॉजी का भी, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जानना चाहें तो। चलिए, और सोसाइटी कैसी थी, देखिए पेलियोलिथिक के अंदर यहाँ पर ये
ट्रेड करते थे की गुड्स के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें थी उनके लिए ट्रेड करते थे। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम थी क्योंकि मूवमेंट रेगुलर चलता रहता था, तो एक जगह कन्फाइंड नहीं थी। और यहाँ पर एवरीवन लर्न सिमिलर ब्रॉड स्किल्स, मतलब ब्रॉड स्किल्स से यहाँ पर मतलब है आपको सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इशू था, इंपॉर्टेंट इशू था सर्वाइवल का। और सर्वाइवल कैसे होगा, आपको खाना आना चाहिए, आपको शिकार करना आना चाहिए, ठीक है, और बचना आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको, तो वो सबको बेसिकली सिखाई जाती थी। और इक्वालिटी थी यहाँ पर, आप यहाँ पर वो अमीर गरीब वाला जो था, जो ब्लॉक था वो नहीं था, एक आपके जो डिफरेंसेस नहीं थे किसी भी तरह के, और मैन और वुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, और देवर बेस्ड ऑन शेयरिंग, ठीक है। यहाँ पर शेयरिंग करी जाती थी, यहाँ पर किसी के पास कुछ ज़्यादा था तो उसको वो शेयर कर लिया करते थे, वरना काम चलता रहता था, ठीक है। यहाँ पर आपके स्टेटस गुड्स के लिए ज़रूरी थे, तो यहाँ पर ट्रेड शुरू हो गई थी। आपको जो आगे सिविलाइजेशन मिलती है आपकी, जैसे राजस्थान में आहाड़ हो गई, बागौर हो गई, कालीबंगा हो गई, तो यहाँ पर पता लगा वो ट्रेड शुरू हो चुका था दूसरे रीजन्स के साथ, मेसोपोटामिया हो गया इस तरह पे, तो ट्रेड हो गई थी। तो यहाँ पर स्टेटस गुड्स की जरूरत होती थी, और यहाँ पर की गुड्स जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर सेंटर्स ऑफ पावर, टाउन्स और सिटीज का कॉन्सेप्ट आ गया था, ठीक है। आधुनिक शहर अर्बन सिविलाइजेशन बनने लग गए थे। आप लोगों ने मूवी देखी होगी रेतिक की, रेतिक की आई थी, फ्लॉप हुई थी मोहनजोदड़ो, उसके अंदर बताया गया था कि दो तरह के जो नगर, नगर टीला और दूसरा टीला जो आता है लोगों के रहने के लिए, आम जनता के लिए, तो वो सी चीज़ें वहाँ पे मेंशन थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया था, यानी कि हर आदमी के पास अलग अलग स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स सबके अलग अलग होते हैं, तो उन सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने की बात हो गई थी। दे स्टार्टेड डेवलप होनिंग सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, इनको सुधार करना शुरू हो गया था, ठीक। कोई शिकार में अच्छा था, कोई खाना बनाने में अच्छा था, कोई क्या कहते हैं प्लानिंग में अच्छा था, कोई आर्चरी में अच्छा था, तो इस तरह की चीज़ें इनके अंदर डेवलप होने लग गई थी। और जो सोसाइटी वो डेवलप हो गई थी एलीट्स के अंदर और लोअर क्लास के बीच के अंदर। अब ये इन पर डिपेंड करता था वर्क, टाइप ऑफ वर्क दैट दे यूज टू डू, ठीक है, उस पर डिपेंड करता था, ठीक है, टाइप ऑफ वर्क। कास्टिज्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आया था वो सरप्लस का, अगर किसी के पास ज़्यादा है तो वो उसको बचा के रखने की कोशिश करता था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पर शेयरिंग होती थी और यहाँ पर सरप्लस का कॉन्सेप्ट आदमी के दिमाग में आ गया था, ठीक है। दे स्टार्टेड यूजिंग मोर ऑफ देयर ब्रेन्स, तो जो क्रिटिकल कैपेसिटी थी वो बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ये बेसिक चीज़ें थी। और अब राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सिविलाइजेशंस मिलती है, कहाँ कहाँ पे मिलती है, ये एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डिवाइड कर दिया है जो आपकी पेलियोलिथिक थी। आज हम ज़्यादातर करेंगे, सर आर एस प्री की नोट्स मिल जाएंगी आपकी कोचिंग के। भरत, ये एक एक्चुअली पहली चीज़ तो ये कि अनअकैडमी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये इंडिया का लार्जेस्ट आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ कोई कोचिंग तो मैं आपको नहीं दे रहा। मैंने जो पढ़ा है वो चीज़ें हैं, या जो मैंने बनाया है, मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो नॉलेज है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बिल्कुल मैं आपको सारे नोट्स दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ प्लस पे जुड़ना पड़ेगा। ये सारे नोट्स आपको वर्ड फॉर्मेट के अंदर, वर्ड PDF के अंदर मिल जाएंगे, आप जब भी चाहें इनको आप डाउनलोड कर पाएंगे और आप इनके प्रिंटआउट अपने हिसाब से निकाल लें। तो वर्ड PDF के अंदर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ प्लस पर जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। और सारा आपको जिस भी आप लैंग्वेज में चाहेंगे, इंग्लिश या हिंदी मीडियम के अंदर, आपको दोनों चीज़ों में मिल जाएंगे। चलिए, तो ये जो पेलियोलिथिक सिविलाइजेशंस थी, ये स्टोन एज थी, ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिली हैं, ये आपके बागौर भीलवाड़ा में, बिलाड़ा जोधपुर, दर भरतपुर, जायल आपके नागौर में, डीडवाना नागौर में, तिपटिया कोटा में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, डाडा थोरा बीकानेर में, और तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर, तो ज़्यादातर जो रीजन्स हैं वो आपके सेंट्रल राजस्थान जैसे कि नगर, नागौर और भीलवाड़ा, और वेस्टर्न राजस्थान जैसे कि बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, इस एरिया के अंदर था, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पूरा एरिया था आपका, वो जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वो वाला इंक्लूडेड होकर, और वहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन के पार्ट है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल भरत, आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। दूसरा है आपका फिर जो चैल्कोलिथिक आते हैं, कॉपर एज की। भरत, आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, लर्निंग ऐप, उसके ऊपर आप जैसे भी आएंगे, जैसे ही आएंगे वहाँ पर, तो वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा लर्निंग ऐप, उसके अंदर आप ऐड सब्सक्रिप्शन करिएगा, और सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप जाएंगे तो आप क्लिक कर दीजिएगा, मेरा जो कोड है 10VS ये डाल दीजिएगा, तो इसके बाद आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं चाहूँगा, आशा करूँगा कि आप एक साल का या दो साल का जो सब्सक्रिप्शन लें, ताकि आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएँ, क्योंकि 6-7 महीने तो कोर्स कराने में लगेंगे, कंप्लीट करने में मेरे को एटलीस्ट, तो उसका फिर, और फिर आप इनको, अगर आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा आपका, तो फिर आप इनको वीडियोस को दोबारा नहीं देख पाएंगे। नोट्स तो हालांकि प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे, पर आप वीडियोस को दोबारा नहीं देख पाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो वो 10VS मेरा कोड यूज़ कीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपफ्रंट, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर आपके आते हैं जो कॉपर एज की सिविलाइजेशन थी, चैल्कोलिथिक, वो आपकी आहाड़ आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बालाथल, गणेश्वर, पूगल, कुराड़ा, गिलुंड, ये इंपॉर्टेंट है, मलाह, बूढ़ा पुष्कर इंपॉर्टेंट है, इलाना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन जो आपकी, अभी यहाँ पर देखेंगे आप शिफ्ट, तो यहाँ पर आप देखिए ये साउथ सदर्न राजस्थान में आ गया, ठीक है, और ये ईस्टर्न राजस्थान में शिफ्ट हो गया।
तो ये पूरी तरह से अब डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था, ठीक है। उसके अलावा ये सदर राजस्थान में जालौर के अंदर आ गया, भरतपुर में ईस्टर्न राजस्थान के अंदर आ गया, तो ये आप वहां से आप देख सकते हैं कैसे बढ़ता जा रहा है। और फिर आपके आती है जब आदमी को आयरन का ज्ञान हो जाता है, ठीक है, आयरन एज सिविलाइजेशन। तो ये आप देखिए रेड जो टोंक में और विराटनगर जयपुर और ईस्टर्न राजस्थान के अंदर, सदर्न राजस्थान में ईसवाल नगर टोंक के अंदर और चक 84 आपके श्रीगंगानगर के अंदर, तो ये सारी जगहों पर आयरन एज सिविलाइजेशन। ये मैं सिर्फ राजस्थान के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें एमपी गुजरात और ये वाली साइट्स में डिस्कवर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो राजस्थान के अंदर आप बाइफर्केशन बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, डबल स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अब ऐसे बनना शुरू हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं, पूछेंगे कि कौन सी इसके अंदर पेलियोलिथिक स्टोन एज की सिविलाइजेशन थी, कौन सी आयरन एज की थी, कौन सी कॉपर एज की थी, ताम्रपाषाणकालीन कौन सी थी, लौह युगीन कौन सी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। ये प्री मेंस में, मेंस में दो नंबर का आराम से सवाल बनता है, ये प्री के अंदर आराम से ये क्वेश्चन बनता है आपका, ये 1.3 मार्क्स का जो है। तो ये आप पूरी तरह से ध्यान रखकर चलिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आपको सारे क्लियर कट रटे हुए होने चाहिए। देर इज नो इफ एंड बट इन दिस, ठीक है। अगर आप ये सब बताने के बाद भी नहीं पढ़ रहे हैं तो देन द फॉल्ट इज योर्स एंड देन यू आर गोना मिस आउट ऑन द एग्जाम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम जो इंपॉर्टेंट राजस्थान की साइट्स हैं जो मिली हैं यहाँ से वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो यहाँ से मिली है वो आपके है एक कालीबंगा, ठीक है। तो ये कालीबंगा का जो लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ है, वो होता है काले रंग की चूड़ियां, ब्लैक कलर्ड बैंगल्स, काले रंग की चूड़ियां इनका शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा, ठीक है। और ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर घग्गर। ध्यान दीजिएगा मृत नदी जो है आपकी डेड रिवर घग्गर रिवर के उसके ही मुहाने पर थी, उस टाइम पे वहा करती थी, रेगुलर था, बट धीरे धीरे एंक्रोचमेंट बढ़ने से और बाकी प्रॉब्लम होने से ये खत्म हो गया सिचुएशन इसका, ठीक है। और ये साइट 1952 में डिस्कवर करी थी आपके अमलानंद घोष, एएन घोष, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, बहुत न्यूज में देखा होगा आपने, पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर भी, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर हुआ करते थे। और उसके बाद देखिए ये होता है डिस्कवरी, तो किसने ढूंढी थी, और इसके बाद शुरू होता है उत्खनन, तो उत्खनन का मतलब होता है एक्सकवेशन, तो वो हुआ था 61-62 के अंदर। और जो बी के थापर, बी वी लाल, जोशी, खेर और जैन, तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा, तो इन लोगों के बाद ये यहाँ पर एक्सकवेशन इनका शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर चलिएगा। तो डिस्कवर कब हुई थी क्वेश्चन में आया तो उस हिसाब से, और एक्सकवेशन उत्खनन कब शुरू हुआ था तो क्वेश्चन में उस हिसाब से, दोनों अलग अलग वर्ड है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन जो था, जिस तरह का कैसा था यहाँ पर, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या क्या नगरीय सभ्यता थी, ये बिल्कुल एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और जो सिटी जो बनाई थी बहुत ही प्लान्ड मैनर के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। बहुत जैसे आपको चंडीगढ़ है, जयपुर है, तो बड़े प्लान्ड मैनर में बनी हुई है, वैसे ही आपकी कालीबंगन भी प्लान्ड मैनर में बनाई हुई थी। मैं आपको इसकी इमेजेस दिखाता हूँ अभी आगे, ठीक है। जो रोड्स थी वो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट काटा करती थी, जो ग्रिड सिस्टम था वैसे काटती थी, नॉर्थ साउथ हो गया ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट काटेंगी और ये नॉर्थ टू साउथ काटेंगी, तो हर जगह 90 डिग्री एंगल बनाया करती थी ये, ठीक है। जैसे राजस्थान जयपुर के अंदर बनता है आपके 90 डिग्री का एंगल, तो ये ग्रिड, इसको ग्रिड प्रणाली कहते हैं, ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो जिन लोगों ने पढ़ाया पर जिनको पता नहीं था ग्रिड सिस्टम क्या होता है, वो यही होता है, ठीक है। ग्रिड सिस्टम, डायरेक्शन ऑफ द हाउस वर बिल्ट विद रॉ एंड पेव्ड ब्रिक, कच्ची ईटों के बने हुए थे ये, ठीक है। पेवमेंट के अंदर बने कच्ची ईटें हुआ करती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं चीजें आपको पहले ही बताता जा रहा हूँ, तो उसको उसी हिसाब से पढ़िएगा। कच्ची ईटें, क्ले ब्रिक, तो यहाँ रॉ क्ले ब्रिक रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो पक्की ईटों की ड्रेन्स बना हुआ करती थी, जो नाले होते थे वो पक्की ईटों के बने हुए होते थे, और जो सक्शन वेसल्स भी थे उनके अंदर, जिसकी वजह से जो गंदा पानी था वो बाहर घर से निकाला जाता था। और जो बिल्डिंग्स की छतें थी वो वुडन लॉग्स या मिट्टी से बनी होती, तो मतलब ये पूरी तरह से केव से बाहर निकलकर और इन्होंने रहना शुरू कर दिया था पक्के मकानों के अंदर। अब तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इनको सेटलमेंट जो थे अर्बन थे, तो इसलिए पूरे पक्के मकानों में रहा करते थे। चलिए अब आपके लिए इसकी यहाँ पर जो सोशल रिलीजियस लाइफ थी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, एक तो जो सोशल लाइफ थी वहाँ पर इनको प्लेन एंड कलर्ड पॉटरी, मतलब इनके जो मृद भांड हुआ करते थे, अगर आप हिंदी में जाने तो मृद भांड जो होते थे, ठीक है, तो मृद भांड हुआ करते थे, उनके ऊपर कोई आकार नहीं हुआ करते, कोई इमेजेस नहीं थी, तो कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं हुआ करती थी, कोई और इमेजेस नहीं हुआ करते, तो एकदम प्लेन हुआ करते थे, लेकिन कलर्ड हुआ करते थे, तो ब्राउन कलर हो गया, रेड कलर हो गया, इस तरह की पॉटरी मिला करती थी। और यहाँ पर जो वेपन्स थे उनको पेंट किया जाता था, और इनका जो था बेस वो फ्लैट हुआ करता था, कॉपर के वेपन बनाए जाते थे इसके अंदर, तो एक ताम्रयुगीन ये हो गई वो आपके क्या कहते हैं शब्द था ताम्रयुगीन, ध्यान रखिएगा। एंड वेट्स एंड मेजर्स होते थे, यानी कि यहाँ पे नाप तोल का था, नाप और भाट बनाए जाते थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो कॉइन्स थे वो जो सिक्के थे वो मिट्टी के बने हुए होते थे, ठीक है, उनको तपाकर वैसे काम में लिया जाता था। यहाँ पर आपको जो इमेज मिलेगी अभिषेक सर ओके यू कैन ज्वाइन आई थिंक जो डॉक्टर वरुण शर्मा है उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू विद दैट, बट फिर भी मैं देख लूंगा। दो चैनल बने हुए हैं सर, एक के अंदर आप रिप्लाई भी कर सकते हैं,
एक के अंदर आप सिर्फ ज्वाइन करके देख सकते हैं, तो जिसमें से भी ज्वाइन करना चाहें आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं चेक कर लूंगा देर देर इशू विद इट, क्योंकि अभी कई लोगों ने ज्वाइन किया है इन दिनों में, सो आई डोंट थिंक देर कुड बी एन इशू विद दैट। तो आप प्लीज़ एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिए। दो बने हुए हैं, एक में मेरी फोटो लगी और एक में सिर्फ पिंक कलर का जो एक लोगो बना होता है जो टेलीग्राम का है वो है, तो वहाँ से कैसे देखना चाहें तो ऐसे भी ज्वाइन कर लें। चलिए, थैंक यू। सो दे यूज टू वर्शिप मातृदेवी, तो मातृदेवी जो थी दैट सिंबलाइजेस फर्टिलिटी, इट्स अ फीमेल गॉडेस, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, यही है डॉक्टर वरुण शर्मा, थैंक यू, प्लेजर। डॉक्टर वरुण शर्मा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मातृदेवी है, फीमेल गॉडेस दैट सिंबलाइजेस फर्टिलिटी, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट। तो मातृदेवी की मूर्तियां मिली थी, तो यहां से पता लगता है कि ये जो सोसाइटीज थी वो मैट्रियार्कल थी, ठीक है, मैट्रियार्कल मात्र सत्तात्मक मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है यहां पर, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ के जो रहने वाले थे रेसिडेंट्स थे, दे यूज टू बरी डेड बॉडी ऑफ द डिसीज्ड एंड इज एविडेंट बाय द प्रेजेंस ऑफ अ सिमेट्री, तो यहां पर एक कब्रिस्तान मिला है जिससे पता लगता है कि यहां पर जो डेड बॉडीज थी वो दब वो जाती थी, ठीक है। ओके, तो अभिषेक जी ये आपको इसके लास्ट में जो लास्ट स्लाइड है उसके ऊपर मिल जाएगा लिंक आपको इसका, ठीक है, तो वो आपको लिंक में तब दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। एंड वॉज बरिंग, तो यहां पर और कई तरह के यूटेंसिल्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, वो जो डेड थे उनके आसपास बरी किए जाते थे, उनके साथ दफनाए जाते थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो सिविलाइजेशन है इनको दो अलग अलग कालखंडों में पढ़ा जाता है, टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर यहाँ पढ़ाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर दो बार खुदाई हुई थी तो एक के ऊपर एक दो सभ्यताएं मिली हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वो 2400 से 2250 बिफोर क्राइस्ट की और 2250 से 1700 बिफोर क्राइस्ट की, तो ये दो कालखंडों में पढ़ी जाती है, ये आप ध्यान रख के चलिएगा इसके अंदर, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो आइटम्स मिले, आइटम्स ऑब्टेन ड्यूरिंग एक्सकवेशन, तो यहाँ पर आपको सील्स मिली है प्री हरप्पन ईरा की, तो प्री हरप्पन कल्चर की सील मिलती है कालीबंगा के अंदर, जो कि आपको लोअर लेवल जो पहले वाला जो खुदाई थी, जो पुराना वाला था, देखिए जो पहले वाला था ये 2400 से 2250 वाला, इसके अंदर मिलती है देखने को, और जो वेस्टर्न माउंड है उसको पश्चिमी टीला उसके अंदर मिलती है। इसके अलावा एक खुद जुते हुए खेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कालीबंगा में आपको जुते हुए खेत मिलते हैं, हैव बीन फाइंड आउट जो रैमपार्ट थे यानी जो परकोटा था उसके बाहर आपको जुते हुए खेतों के, जो सिटी थी कालीबंगा की उसके बाहर जुते हुए खेत मिले, ठीक है, तो वो चीज बैटल डोर कहा जाता है, जो बैटल डोर कह लो, रैमपार्ट कह लीजिए, जो व्हाटएवर यू फील लाइक यू कैन यूज दैट वर्ड, ठीक है। और जो कि अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट मिलता है देखने को, क्योंकि यहाँ पर यह पता लगता है कि खेती का बहुत अच्छा ज्ञान हो चुका था, क्योंकि हल भी मिले हैं यहाँ पर, जुते हुए खेत मिले हैं, हल मिले हैं, तो ये चीजें देखने को मिली है यहाँ पर, ठीक है। और दे यूज टू मिक्स एग्रीकल्चर, यहाँ पर ये मिक्स एग्रीकल्चर करते थे, जैसे इन्होंने मस्टर्ड का कर लिया, सरसों का, चावल की खेती करते थे, चने की खेती करते थे जो यहाँ पर होती थी। इसके अलावा ये कॉटन क्लॉथ भी डिस्कवर हुआ है, यहाँ से कपड़े का टुकड़ा मिला है, सूती वस्त्र, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पर कॉटन का कल्टीवेशन भी हुआ करता था, चाहे वो पाकिस्तान साइड में हो, मोहनजोदड़ो साइड में हो, राजस्थान के अंदर जो इंडिया के अंदर जो हड़प्पन साइड से वहां पर हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो दो टीले बटे थे, एक तो नगर टीला और एक दुर्ग टीला, तो जो दुर्ग टीला था वो वेस्ट के अंदर था, जो वेस्टर्न मोड मैंने यहाँ पर बात की, और इसके अलावा जो नगर टीला था वो आपके ईस्ट के अंदर हुआ करता था, और ये सारे ये दोनों एक ही उसके अंदर हुआ, देखिए इसका इस तरह से लोकेशन थी, तो ये पूरा आपका लोकेशन, ये एक आपकी जो जो पोजिशन थी वो ऐसी थी, ये एक बीच में से डिवाइड सा था, मतलब फिजिकल डिवाइड नहीं था लेकिन डिवाइड हुआ करता था, तो ये आपका जो ईस्टर्न माउंड है और ये आपका वेस्टर्न माउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपके जो जो रईस लोग थे वो रहा करते थे इस तरह से, ठीक है, बड़े बड़े मकान थे इनका, और यहाँ पर जो थे ये छोटे लोग जो जो काम करा करते थे, जो खेतियर लोग थे या जो अलग अलग उनमें ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व थे, उनके मकान हुआ करते, तो ईस्टर्न माउंट थे, तो इनको नगर टीला कहा जाता था, ये नगर टीला होता था, और ये यहाँ के आप दुर्गा पे जो उस टाइम पे जो लीडर्स थे, या जो क्योंकि डेमोक्रेसी भी थी एक तरह से, आप लोगों ने उसमें देखा होगा मूवीज के अंदर, मोहनजोदड़ो वगैरह के अंदर, तो ये सारी चीज़ें वहीं से देखने को मिलती हैं, तो ये आपको ध्यान रखें इस तरह का डिवाइड था यहाँ पर एक, ठीक है। और यहाँ पर एक सिक्का मिला है जिसके ऊपर टाइगर की मार्किंग है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, एक ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, और ये नगर सभ्यता वाला ये पूछा जा सकता है, और ये कॉटन क्लॉथ, तो ये जो जो ट्रिगर्स हैं ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो यहाँ पर जो मकान मिलते थे वो आपके कच्ची ईंटों के मिले हैं जो मैंने बताया, और इन ईंटों को सजाया हुआ, ये सजीव ईंटें हुआ करती थी, इनके अंदर अलग अलग पत्थर गड़े हुए होते थे छोटे छोटे, जो इनको ऑर्नेट बनाते थे, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा साज सजावट हुई वो रखी होती थी, ठीक है। और वो जो जो घर का मकान का जो फ्लोर होता था उसके अंदर मिलता था देखने को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वुडन लकड़ी की बनी हुई ड्रेन्स और टॉयलेट्स, तो यहाँ पर टॉयलेट सीट्स मिली हैं बाकायदा, जो आपके जैसे आज हम वेस्टर्न कमोड्स की बात करते हैं, जो यूरोपियन कमोड्स की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर भी आपको कमोड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कमोड सिस्टम था, लकड़ी की जो वुडन कमोड्स थी वो देखने को मिली यहाँ पर वुडन,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इधर भी मिली है पुराने एक्सकवेशन के तौर पर, ये मिली है इमेजेस हैं, कई जगह आपने देखा होगा मैं एक इमेज ढूंढ रहता पर मुझे अभी मिली नहीं, वरना मैं इसको जरूर डालता है यहाँ पर मुझे गूगल पर इमेज दिखी नहीं, कहीं इंस्टाग्राम वगैरह पर मैंने बिल्कुल देखी थी पर वो इमेज यहाँ मुझे आज मिली नहीं। ठीक है, तो अगर कल की साइट में मिलती है तो मैं कल जब सेकंड पार्ट ले रहा हूँ तो आपको पहले वो इमेजेस दिखा दूंगा, मैं जस्ट ट्राई सर्चिंग अगेन। ओके सो अच्छा, यहाँ पर आपको क्या होता है, एक बच्चे का स्कल मिला है जिसके अंदर 6 छेद थे, 6 होल्स, तो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर सर्जिकली एग्जामिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पर एक डॉक्टर्स का जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वाली बात थी वो एक सिचुएशन अराइज रहती है कि डॉक्टर्स को मतलब एक तरह से ये सिस्टम डेवलप हो रहा था, साइंस का मेडिसिन का सिस्टम डेवलप हो रहा था, तो शल्य चिकित्सा जिसको हम कहते हैं, तो वो चीज जानने को मिलती है। इसके अलावा यज्ञ वेदी मिली है 7, जिनको हम कहते हैं फायर ऑल्टर्स, तो यज्ञ वेदियां मिली है जहां पर आपको ये पता लगता है कि, और जहां पर क्योंकि यहाँ पर आपको एनिमल्स की बोन भी मिली है तो यहाँ पर ये पता लगता है कि एनिमल सेक्रीफाइस वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंट। ठीक है, तो जो पशु बलि, तो एनिमल सेक्रीफाइस भी यहाँ पर हुआ करता था, तो ये भी चीज़ आपको जानकारी मिलती है यहाँ सर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा सिलेंड्रिकल यानी कि जो एक गोल लंबी वर्ग, आई मीन सिलेंड्रिकल को हिंदी बेलनाकार, तो बेलनाकार सील्स जो है वो भी मिली है देखने को, जिससे जो जो समझ में आता है कि मेसोपोटामिया से यहाँ पर ट्रेड हुआ करती थी, क्योंकि ऐसी जो सील्स थी सिलेंड्रिकल वो आपको मेसोपोटामिया में देखने को मिलती है, वरना राजस्थान में जो नॉर्मल सील्स मिलती थी इंडस वैली के अंदर या हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर, वो आपको या तो राउंड मिलती थी या स्क्वायर मिलती थी या ट्राइंगुलर मिलती थी। ठीक है, इन 3 तरह की मिलती थी, और ये बेलनाकार जो थी ये आपको मिलती है मेसोपोटामिया थी, तो इसका ट्रेड हुआ करता था, तो ये एक जानकारी यहाँ से देखने को हमको मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक रेजर भी मिला है जिसको हम शेव करने वाला रेजर, तो वो मिला है। अब वो एक्चुअल पता नहीं लगता कि वो एक स्किन उतारने के लिए होता था या वो शेव करने के लिए होता था, तो एक कपड़े के क्लॉथ में बना हुआ रेजर भी मिला है, और उसके अलावा एक स्केल यानी कि एक नापने का जो होता है तोला, तो यहाँ पर इसको तोला कह लीजिए आप, जो तुला, सॉरी तोला नहीं तुला, तो एक तुला मिली है। मैं एक मिनट क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक तुला मिली है, एक तरह के जिसको वेट्स एंड मेजर्स कहते हैं ना, तो ये तुला मिली है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो स्केल है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये तुला यहाँ पर देखने को मिली है। और इसके अलावा यहाँ पर लोगों को डोमेस्टिकेशन का ज्ञान नहीं था, ठीक है, हॉर्स के वैसे ज्ञान था लेकिन हॉर्स के डोमेस्टिकेशन की, हॉर्स को भी डोमेस्टिकेट किया जाता है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, इनको घोड़ों का ज्ञान नहीं था और आयरन का भी ज्ञान नहीं था, ये 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इनको गाय का डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, बैल का, ये ध्यान, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर सिनेरियोस देखने को मिलता है, लेकिन इनको घोड़ों का ज्ञान नहीं था। और जो ज्यादातर यूटेंसिल्स हैं, देवर मेड आउट ऑफ ब्रॉन्ज एंड दस इट वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, ताम्रपाषाण, चेलकोलिथिक कह लीजिए या ताम्रपाषाण कह लीजिए, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर एक कांस्य युगीन सभ्यता कह लीजिए, ठीक है, कॉपर नहीं, सॉरी कांस्य, तो ब्रॉन्ज की थी, तो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी काली आपकी ये, ठीक है, कालीबंगन कांस्य युगीन सभ्यता का पार्ट माना जाता है इसको। चलिए, तो ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा था, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है साइट की आपको, ये एक्चुअल जो आपके जो कालीबंगन की सिविलाइजेशन थी वैसी थी, तो ये आप देखने को मिल सकता है, मकान बने हुए, नगर टीला बना हुआ है नीचे का, ये दुर्ग टीला बने हुए हैं यहाँ पर ऊपर जो साइट पर है पूरे, और नॉर्मल नगर टीला आ जाता है। ये आप ड्रेनेज देख सकते हैं, सक्शन, ये सक्शन लेवल्स थे, ये आप पक्की जो आपकी मिट्टी की जो ड्रेन है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा इसके अंदर। और ये आप देख लीजिए, ये पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेटलमेंट्स मिले, ये इनके मटके वटके और इस तरह की चीजें, दवाई दफनाई हुई थी, तो बॉडी के रिमेन्स मिले हैं, तो कब्र थी बड़ी तरह, डीप कब्र खोदते थे, इसके अंदर सारा सामान डाल दिया करते थे, ज्वेलरी वगैरह सब यूटेंसिल्स देखने को मिले हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो इस तरह की इमेजेस, और ये सक्शन जो आपको बता रहा था, सक्शन पाइप जो होते थे पहले के, और यहाँ ड्रेन बगा है, तो ये पूरी चीज़ें बहुत ही एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, बहुत ज़्यादा इनको डेवलपमेंट, डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, इनको पूरा ज्ञान था उस वक्त कैसे काम किया जाता था इन चीज़ों का, ठीक है। अब इसके अलावा जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आपका रंग महल, तो रंग महल जो सभ्यता थी वो भी आपके हनुमानगढ़ के अंदर ही मिले, घग्गर नदी के किनारे, और ये तो सिविल इसकी लोकेशन ही आती, लेकिन ये डेवलप हुई थी सरस्वती या द्रव्यवती रिवर्स के मुहानों पर, ठीक है, तो घग्गर नदी के आगे जाकर सरस्वती और जो द्रव्यवती नदी पड़ती है, जो ट्रिब्यूटरी डिवाइड होती है उसके अंदर, इसका एक्सकवेशन किया था हैनारिड के निर्देशन के अंदर। हैनारिड बहुत फेमस फिलोसफर भी रहे हैं, आपके आर्कियोलॉजिस्ट भी रहे हैं, तो 52-54 के अंदर ईयर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो तब इनका ये वो हुआ था एक्सकवेशन का चीज हुई थी यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर वो ये कि यहाँ पे सैंधव सभ्यता के, कुषाण काल के और गुप्त काल के, पूरा गुप्त काल के, ठीक है, पूर्व गुप्त काल के, सॉरी पूर्व गुप्तकालीन, पूर्व गुप्तकालीन समय की भी आपको वो जो है पूरी क्या कहते हैं रिमेन्स, जो प्रूफ एविडेंसेस वो मिलते हैं। इनके जो इक्विपमेंट थे उसके अंदर आप लैम्प ले सकते हैं, कई
कढ़ाई कड़ची क्या कहते हैं, बड़े बड़े कटोरे और स्पाउटेड पिचर्स जिनकी लंबी ऐसी होती थी ना, पिचर का मतलब होता पानी का घड़ा, तो सुराही जो होती थी इस तरह की लंबी वो होती थी, और ऐसे ये पूरे इस तरह से सुराही होती थी, ये एक मुंह होता था, ये हैंडल होता था पूरा उसका पानी का पीने का, तो ये सुराही इस तरह की यहाँ मिलती थी। ठीक है, मेरी ड्रॉइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो माफ कीजिए, बट आई एम एबल टू कन्वे दी मैसेज कि किस तरह से काम हुआ करता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये मिली थी, अच्छा ये पॉटरी मिली रंग में, वो लाल रंग की थी लेकिन उसके ऊपर काले डिजाइन हुआ करते, तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पर डिजाइन शुरू हो गए थे मिलना पॉटरी पर। ठीक है, और जो यहाँ पर जो भी आपको कहते हैं पैन या कढ़ाइयाँ कड़चे जो चीज जो भी चीज मिली है उसके ऊपर आदमियों की और जानवरों की शेप्स यानी फिगर्स भी मिलना शुरू हो गए थे, तो डिजाइन भी मिलने शुरू हो गए थे, लाल रंग के मिलते हैं और इनके ऊपर अलग अलग एनिमल और ह्यूमन शेप्स मिला करते थे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे कुषाण काल के सिक्के और क्ले सील यानी कि जो ठप्पे होते हैं ना, जो सील्स सील्स को मोहरे, ठीक है, तो मोहरे हुआ मोहर मिलने लगी थी जो कि मिली थी यहाँ, मिलती है यहाँ से रंग महल से कुशन कुशन काली। ठीक है, तो ये तीन चीज जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये कहते हैं सोटी सिविलाइजेशन, तो सोटी सभ्यता थी वो भी हनुमानगढ़ के पास में थी, और इसको डिस्कवर किया था आपका टेसिटोरी ने, एलपी टेसिटोरी ने, तो इन्होंने डिस्कवर किया था, ध्यान रखिएगा। और ये एक पूरा पूर्व हड़प्पन कालीन सभ्यता है, यहाँ पर जो आपको मिले हैं जो अवशेष मिले हैं वो आपको पूर्व हड़प्पन कालीन सभ्यता के मिले हैं। इसके अलावा एक आती है बारोर, ठीक है, बारोर ये बागौर नहीं है, ध्यान रखिएगा बारोर, और ये गंगानगर के अंदर मिली है आपके। ठीक है, और ये भी सरस्वती नदी के किनारे थी, और यहाँ पर भी आपको पूर्व हड़प्पन कालीन और हड़प्पन कालीन जो है अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर सिर्फ अकेली ऐसी साइट है जहां पर सिर्फ काली मिट्टी के अवशेष मिले हैं, ब्लैक सॉइल इज ओनली ऑब्टेन फ्रॉम हेयर, जो कि और किसी भी राजस्थान की आर्कियोलॉजिकल साइट से आपको नहीं मिली है, तो काली मिट्टी यहाँ पर जरूर थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इनके टूल्स इक्विपमेंट जो मिले हैं, तो यहाँ पर हमको चूड़ियां मिली हैं जो शंख शंख से बनी हुई है, कॉन्च शेल, ठीक है, जो शंख होते हैं उनसे बनी हुई चूड़ियां मिली हैं। इसके अलावा अंगूठियां मिली हैं, बोरले मिले हैं जो हेड गियर जो सर पे लगाते हैं गोल गोल बोरला वो, और कई सारे बीड्स जो आपके बीड्स हो गए जिनको पिरोकर मोती पिरोकर जो बनाते हैं ना बीड्स, उस तरह की, तो मोती तो नहीं मिले पर वो पत्थरों में छेद करके उनको बीड्स बनाई जाती थी माला, वो मिली है। इसके अलावा बड़े बड़े सिक्के मिले हैं जो करीब करीब बटन की साइज के हैं, तो ये सिक्के मिले हैं यहाँ से, तो ये सारी चीजें आपको बारोड़ से मिली, ये ध्यान रखिएगा। मैं पानी पी लूँ एक बार। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले राजस्थान के अंदर कौन सी कॉपर एज की साइट्स मिलती हैं, वो कांस्य युगीन थी, ध्यान रखिएगा, वो ब्रॉन्ज थी कालीबंगा, ठीक है, ब्रॉन्ज थी आपकी कालीबंगा, और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी कॉपर एज की, ताम्र पाषाण कालीन, तो ये ध्यान रखिएगा, ताम्र पाषाण बोल लीजिए या कॉपर एज बोल लीजिए दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ताम्र पाषाण कालीन, तो ये ध्यान रखिए दोनों अलग अलग है यहां पर, ये चीज लेकर चलिएगा। चलिए, तो उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आहड़, बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयपुर के अंदर बनास नदी के किनारे मिली है ये, तो इसको बनासी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके जो जो रिमेन्स हैं वो आपके उदयपुर के अंदर गंभीरी नदी के पास चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है, और भीलवाड़ा के अंदर खारी और कोठारी नदी के आसपास तक फैली हुई है, और अजमेर तक इनफैक्ट, तो आप पूरा अगर लोकेशन देखेंगे तो भीलवाड़ा अजमेर उदयपुर, तो इन तीनों को मिलाकर ये इस तरह से बीच में डेवलप हुई थी यहाँ पर पूरी जो लोकेशन है वो। और गिलुंड जो है इसी आहाड़ सभ्यता के 30 किलोमीटर दूरी है, तो गिलुंड इसका जो है सबसे बड़ा एक सेंटर माना जाता है आहाड़ सिविलाइजेशन का, आहाड़ सभ्यता का एक बहुत ही मेजर पावर सेंटर था वो गिलुंड था, ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे यार। अब यहाँ पर देखिए एक जो चीज मिलती है देखने को, वो आइडिया लगता है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, क्यों, क्योंकि एक ही मकान के अंदर आपको एक से ज्यादा स्टोव्स मिले, मतलब कई मकानों में आपको एक से ज्यादा स्टोव मिले, तो इससे यह आइडिया होता है कि इस टाइम पे जो सिचुएशन थी वो जॉइंट फैमिली की थी, तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फीचर्स हैं वही पूछते हैं, वही बताने होते हैं, मेंस में फीचर पूछ लेंगे, प्री में आपको ऑप्शन देके पूछ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर गोल जो मोती होते हैं वो मिले थे, क्रिस्टल के बने हुए मोती, पत्थर वही जो छिपैना करके बनाया जाता है, और रेड एंड ब्राउन पेंटेड पॉट्स मृदभांड मिले हैं। इसके अलावा छोटी पानी की बोतलें मिली हैं बिना हैंडल वाली, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर आपको जो 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 बोतलें थी पानी की ये सिर्फ ईरान के अंदर मिलती थी, तो इसका कनेक्शन आपको मिलता है कि यहाँ पर ट्रेड ईरान से हुआ करती है, संभवतः ऐसा पार्ट ऐसा हम कयास लगा सकते हैं, सो देयर वाज सम कनेक्शन विद ईरान इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विद आहड़। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर आपको एक भट्टी मिली है तांबा पिघलाने की, तो कॉपर स्मेल्टर मिला है यहाँ पर आपको, जिससे तांबे के इक्विपमेंट बनाए जाते थे, हथियार औजार बनाए जाते थे। यहाँ पर आपको एक कॉपर से बनी हुई एक्स मिली है, कुल्हाड़ी मिली है, और बहुत से अलग वेपन्स मिले हैं जो, और साथ ही एक भट्टी मिली है जो कॉपर को पिघलाने की भट्टी भी है घर से मिली है,
तो ये सारी चीजें बताती है कि बहुत ही मेजर कॉपर या चेरकोलिथिक साइट थी, ठीक है, कॉपर चिमनी, कॉपर माइंस थी यहाँ पर, तो इसलिए अजमेर की खेतरी के पास आप देख लीजिए जो झांपने मिली है, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर कॉपर की माइंस हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी यहाँ पर कॉपर माइंस थी, इसीलिए यहाँ पर कॉपर स्मेल्टर्स मिले, और यहाँ पर इंसान को ज्ञान था कि कैसे कॉपर को पिघलाकर आप उनसे वेपन्स या यूटेंसिल चीजें बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये, और ये सभ्यता करीब करीब 4000 साल पुरानी है, आज से 4000 प्रेजेंट डे मान लीजिए, तो आप मान लीजिए 1900 से 1200 बीसी के आसपास तक का कालखंड आता है, ठीक है। और यहाँ से स्टोरेज यानी पाषाण काल के भी सभ्य वो मिले हैं आपको, क्या कहते हैं, अवशेष, तो वो दो लेवल्स के अंदर जो खुदाई होती है उसके अंदर आप बांध सकते हैं, ठीक है। इसका एक्सकवेशन सबसे पहले 1953 में किया था ए के व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने, बड़े फेमस नाम है, आप लोगों ने कई हिस्ट्री की बुक के अंदर इनके बारे में पढ़ा होगा। इसके अलावा 1956 के अंदर दोबारा से शुरू किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने, और लेकिन जो सबसे भारी जो जो उत्खनन हुआ था, जो सबसे बड़े लेवल पर उत्खनन किया गया था, वो आपके एच डे साकलिया ने किया था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पूना में कार्यरत थे 1961 और 62 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख के चलिए, यहाँ से ये चीजें मिलती हैं देखने को। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान रखिए इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि इसका पुराना नाम एक तो ताम्रवती भी था, इसके अलावा इसको आघाट, पूरी आघाट दुर्ग भी कहते थे, और जो लोकल नाम था इसका वो नाम था धूलकोट। तो धूलकोट, ताम्रवती, आघाटपुर, आहाटपुर, ये सारे के सारे नाम आपके इसी सिविलाइजेशन के, जो कि आपकी आहट, ठीक है। तो आहट का ध्यान रखिएगा इस तरह से, अच्छी तरह से आहट सिविलाइजेशन का, ठीक है। अब जो पुरानी टाउन है आहट की, वो धूलकोट के नीचे मिली थी, जो पुराना किला था, तो इसलिए लोकल नाम धूलकोट ही था। और यहाँ पर आपको रिमेन्स मिलते हैं आपके कॉपर एज के, ठीक है, और जो जो नई वाली थी वहां पर आपको रिमेन्स मिलते हैं स्टोन एज के, जो मैंने बताया आपको ये वाले, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखे चलिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो पॉटरी थी वो लाल और काले रंग की मिलती है, और पहले देखेंगे तो आप लाल और भूरे रंग की मिलती है, तो ये चीज थी। इसके अलावा जो घर मकान बने होते वो सूखी ईंटों के बने होते थे, पक्की और सूखी ईंटों के, जो धूप के अंदर तपाई हुई होती थी, तो मजबूत घर मिलते थे ज्यादा। इसके अलावा पत्थरों के मकान के अवशेष भी मिले हैं, तो दोनों तरह से मजबूत घर बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था दोनों रीजन के हिसाब से, ये चीज आप यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आहट, उधर कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये सारे बता के चलने पड़ते हैं, डिटेल में आप डिस्कस करके चलिए, याद रखे चलिए, तो बहुत क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इनके अंदर से। और अब जो शिफ्ट है वो ज्यादातर आपके अगर एंशियंट सिविलाइजेशन पूछते हैं तो राजे महाराजाओं की बजाय एक तो या तो आर्ट एंड कल्चर पे पूछा जाएगा, या आपके एंशियंट सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स मिले उन पे पूछा जाएगा। ये नया शिफ्ट हुआ आरपीएससी के अंदर, पिछले पेपर में आप उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक जगह से आपको 6 कॉपर की करेंसी मिली है, कॉपर के सिक्के मिले हैं, और 3 मोहरें मिली हैं। इनमें से एक मोहर पर आपको त्रिशूल लगा हुआ मिला है, और एक पर आपको जो ग्रीक गॉड है, यूनानी देवता है अपोलो, ठीक है, उनके बारे में उनका जो इमेज है वो बनी हुई है, और यहाँ पर ग्रीक भाषा के अंदर भी एक मार्किंग लिखी हुई है, तो ये पता लगता है कि इनकी ट्रेड यूनान से भी थी, है ना। और ये करीब करीब 2nd सेंचुरी यानी कि 200 सेंचुरी के आसपास की करेंसी मानी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग थे वो लोगों के मरने के बाद कपड़े और आभूषण भी दफनाया करते थे, ठीक है। दी ऑर्नामेंट्स ऑफ आहट रेजिडेंट्स वर मोस्टली मेड ऑफ क्ले, तो ये क्ले के जो बीड्स थे वो बनाया करते थे, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप, ठीक है। इसके बाद क्या था, यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, तो आदमियों को मतलब जानवरों का डोमेस्टिकेशन का काम शुरू हो गया था, जो कि इनकी इनकी जो अर्थव्यवस्था थी उनका मेन स्टे था, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट थी एग्रीकल्चर के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री वॉज द मेन स्टे ऑफ देयर इकोनॉमी, ठीक है। और इन्होंने फिर कुत्ते को, हाथी को, और हाथी के बारे में और राइनोसरस के बारे में जानकारी थी, ठीक है, तो इनको अच्छी तरह पता था। इसके अलावा ये राइस का एग्रीकल्चर भी करा करते थे, इवेंचुअली उन्होंने आहट ने चावल खेती करना भी शुरू कर दिया था। दूसरी चीज जानने को मिलती है, यहाँ पर एक सरप्लस को इकट्ठा हो जाता था, बहुत ज्यादा खेती ठीक ठाक बढ़ने लग गई थी, तो यहाँ पर आपके स्टोर हाउसेज बनाए गए थे, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े वो वेसल मिले हैं, मटके मिले हैं, जिसके अंदर ग्रेन्स रखे जाते थे, गेहूं हो गया, चावल हो गया, जिनको गोरे या कोट कहा जाता था, तो ये ध्यान रखिए लोकल लैंग्वेज में, उस टाइम पर लोकल लैंग्वेज में गोरे या कोट कहा जाता था। और आटा पीसने की चक्की भी मिली यहाँ पर, तो ये इनको खेती के बारे में, और खेती यानी कि इनको क्या कहते हैं, ग्रेन से, बीज से आटे बनाने का भी ज्ञान हो चुका था कि कैसे गेहूं से आटा बनाया जाएगा, तो इसका भी ज्ञान था इनको। चलिए अब एक दूसरी लोकेशन, जो दूसरी साइट है इंपॉर्टेंट, वो आपके ओझियाणा, ओझियाणा आपके भीलवाड़ा के अंदर है। इट इज दी ओल्डेस्ट साइट रिलेटेड टू आहट सिविलाइजेशन, तो आहट की सबसे पुरानी साइट्स में से एक है, ठीक है। जैसे आहट के अंदर आपको मैंने बताया था कि कालीबंगा के पास में आहट थी, और आहट के अंदर सबसे बाद में इंपॉर्टेंट थी आपकी गिलुंड, जैसे गिलुंड की जैसी एक ओझियाणा भी थी। अब इसका जो डेवलपमेंट था, एक्सकवेशन था, वो 3 बार में शुरू किया गया था। इसका एक्सकवेशन किया था बीआर मीणा ने और आलोक त्रिपाठी ने सबसे आखिरी में 2000 के अंदर, ठीक है। ये एक पहाड़ पे बसी हुई सभ्यता थी, और यहाँ पर एक वाइट पेंटेड बुल मिला है जिसको ओझियाणा बुल कहते हैं, ये इसकी फोटो देख लीजिए आप,
ठीक है, ओजियाना बुल, इस तरह की एक सील मिली, एक बुल मिली है। इसके अलावा यहाँ पर पक्की ईंटों का सुखाई हुई धूप में तबाही हुई जो ईंटें हैं उनका यूज किया जाता था, और पत्थरों का काम लिया जाता बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन करने के अंदर, ठीक है। साथ ही यहाँ पर क्ले आइडल्स यूज हुआ करते थे, कच्ची मिट्टी के आइडल्स जो बुल्स के, काओ के, पत्थर का स्टोन है, हमारे मैंने आपको इमेज दिखाई थी पहले अभी। इसके अलावा शंख की बनी हुई चूड़ियां, कॉपर की बनी हुई चूड़ियां और कर्नेलियन रॉक कट स्टोन, तो कर्नेलियन रॉक कट स्टोन जो होते हैं वो पत्थर तोड़ने काम आते हैं, चिकने पत्थर होते हैं जो सफेद से और भूरे हल्के सफेद से मिक्स पत्थर होते हैं कर्नेलियन पत्थर, कर्नेलियन कट स्टोन, तो वो पहले आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, तो वो मिले हैं यहाँ से। चलिए इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट थी वो थी गिलुंड, जो मैंने आपको बताया आहार से करीब करीब 30 किलोमीटर दूर थी, ज्यादा दूर नहीं थी, और ये बनास नदी के किनारे राजसमंद के अंदर बसी हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा राजसमंद के अंदर आती है आड़ आपके। इसका एक्सकवेशन किया था आपके बी बी लाल साहब ने, यहाँ पर काले और लाल रंग की पॉटरीज मिली है, ठीक है, और साथ ही यहाँ पर कोई भी मजबूत ईंटों का, ठीक है, पकी हुई ईंटों का वो नहीं मिलता है ज्ञान, लेकिन यहाँ पर आपको बड़े बड़े घर मिलते हैं देखने को, जिसका मतलब ये पता लगता है कि एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पर बड़े मकान देखने को मिले जो कि आहड़ में नहीं देखने को मिले थे, तो ये एक कह लीजिए आप एक बहुत ही पॉश लोकेशन थी लोगों के रहने के लिए उस वक्त की, तो ये आप वो मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपकी साइट आती है वो आपकी आती है पचमाता, जो राजसमंद के अंदर, ये सारी मैं आपको चेल को लेते करा रहा हूँ अभी, ध्यान रखिएगा कॉपर एज की जो साइट है, तो यहाँ पर आपको कई तरह के रिमेन्स मिले हैं जो पचमाता से करीब जो 100 किलोमीटर दूर उदयपुर के पास है। ये एक इंपॉर्टेंट आहड़ बनास सभ्यता की इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर खूबसूरत आर्टिस्टिक आइटम मिले हैं, जूल्स मिले हैं, नीले रंग के प्रेशियस जूल्स मिले हैं, और दो दो चिमनी वाली भट्टी मिली है, तो ये ध्यान रखिएगा दो चिमनी वाली भट्टी मिली है जो एक अपने आप में रेयर है, तो ये जगह का ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप, ठीक है, पचमाता के अंदर मिले। चलिए इसके बाद आप कहते हैं बालाथल, तो बालाथल है आपके वल्लभनगर तहसील उदयपुर के अंदर, और जो कि डिस्कवर करी थी आपके वी एन मिश्रा भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक बड़ी बिल्डिंगों के भी वो मिले हैं रिमेन, जिसके अंदर कम से कम 11 कमरे थे, तो एक धर्मशाला टाइप एक वो जगह देखने को मिली है, अब वो धर्मशाला भी हो सकती थी, किसी का घर भी हो सकता था, हम धर्मशाला मान के चलेंगे कि यहाँ पर एक धर्मशाला टाइप देखने को मिली, क्योंकि जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है जो कि बहुत कम जगहों पर मिली है, आहड़ के अंदर भी नहीं मिली है, ठीक है। अब देयर इज अ ब्राइट कोटिंग इन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द पॉट्स रिकवर्ड फ्रॉम हियर, तो यहाँ पर जो मृदभांड मिले हैं उनके ऊपर कोटिंग की जाती थी, चिकने बनाए जाते थे वो, ठीक है, आगे इमेजेस में दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा एक मिलती है लाचूरा मिलती है आसींद भीलवाड़ा के अंदर, जिसको डिस्कवर किया था बी आर मीणा ने 1998 के अंदर। यहाँ पर आपको शुंगकालीन बर्तन देखने को मिलेंगे, शुंगकालीन प्याले होते हैं, नुकीले है जिसके प्याले थे वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या कहते हैं ताम्रपाषाणकालीन जो है यूटेंसिल्स वो देखने को मिलेंगे, जो कि करीब करीब 700 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 2000 आफ्टर डेट, यानी आफ्टर डेट ऑफ क्राइस्ट अभी आज से करीब 20 साल पहले का मान लीजिए, वो भी देखने को मिली यहाँ पर आपको जगह, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको सारी चीज़ें। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है एक आपकी गणेश्वर सीकर, बहुत इंपॉर्टेंट, नीम का थाना सीकर के पास है, कांथली रिवर के किनारे, तो ये साइट मिली यहाँ पर। यहाँ पर आपको कॉपर टूल्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत लार्ज नंबर्स के अंदर मिले, बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर में कॉपर टूल्स मिले आपको, और इसका एक्सकवेशन उत्खनन का कार्य किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने, आर सी गुरु अग्रवाल और विजय कुमार ने, ठीक है। ये एक पुरानी आपकी चेलकोलिथिक ताम्रपाषाणकालीन जगह है, और जो यहाँ के टेराकोटा पॉन्ड मिलते हैं पॉट्स, यानी कि जो मिट्टी के मृदभांड मिले हैं आपको, उनको हम कपीश वर्णी मृदपात्र कहते हैं, कपीश वर्णी यानी कि करीब करीब ऑरेंज कलर ही होता था मोटा मोटा, तो ऑरेंज कलर के आपकी जो पॉटरी जो क्ले पॉट्स हैं वो सब मिले हैं यहाँ पे देखने को, तो कपीश वर्णी, ठीक है, ये ध्यान रखिए, टेक्निकल टर्म है इसको याद रखिए, यूज कीजिएगा, वरना ब्रैकेट में ऑरेंज पॉटरी लिख दीजिएगा देखकर। अच्छा, इसके अंदर खास चीज मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पर एक दो साइड वाली और एक स्क्रूएबल कॉपर वायर हेयर पिन मिली है, तो बालों में पिन लगाते हैं ना, दो साइड वाली, दोनों तरह से उसको यूज कर सकते हैं, तो वो देखने को मिली है, और खूबसूरत एनिलेटेड क्ले पॉट्स वो देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर इसकी इमेज आई थिंक होनी चाहिए थी, बट शायद नहीं, तो मैं कल डाल दूंगा इसकी इमेज, कल आपको मैं दिखा दूंगा ये सारी चीजें वापस, ठीक है। तो ये आपको एक एनिलेटेड क्ले पॉट्स देखने को मिले हैं इस जगह पर आपको, ठीक है। अब एक जो लास्ट साइट आती है, जो इंपॉर्टेंट सबसे आज की लास्ट साइट है, सबसे इंपॉर्टेंट साइट भी है, वो है आपकी जोधपुरा, जो जयपुर के पास है, साबी रिवर के पास, ठीक है। तो इसका एक्सकवेशन किया था आपके आर सी अग्रवाल ने और विजय कुमार जी ने, और यहाँ पर जो टाइल, यहाँ पर घरों की छत बनाने के काम में भी टाइल यूज होती थी, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि जो पाषाणकालीन थी उसके बाद कालीबंगा वगैरह थी, वहां पर घरों की छत लकड़ी के लग्गों से, लॉग से और पत्थरों से बनाई जाती थी, मिट्टी से बनाई जाती थी रादर। अब यहाँ पर आपको जो घर मिल रहे हैं वो आपको टाइल से बनाए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, टाइल से बनाई है। इसके अलावा आपको मौर्यकालीन, शुंगकालीन और कुशनकालीन सिविलाइजेशन के बहुत से यहाँ पर आपको आर्टिफैक्ट्स और इमेजेस और चीजें जो वो देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर कपीशवर्णी रंग के ऑरेंजिश रेड कलर के आपके पानी के कटोरे, उसके अलावा आपके सॉसर प्लेटें मिल गई हैं,
लोहे के बने जो वेपन्स है वो मिल गए। इससे लोहे का वेपन बनने के आपको हंटिंग आसान हो गई थी आप लोग उस समय के लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर बाण मिले हैं बाकायदा, ये एरो की बात करूँ, मैं एरो हेड की बात नहीं कर रहा, एरोज की बात कर रहा हूँ जो कि लोहे से बने हुए हैं, ठीक है, ताकि उनका पेनिट्रेशन बहुत डीप हो गया था, मजबूत बन गए थे, इसीलिए अच्छे वो बन के आए। इसके अलावा वो चूड़ियां मिली हैं जो कि फिर से आपके शंख के टुकड़ों से बनी हुई है। यहाँ पर लोहे पिघलाने की भट्टी मिली है देखने को, ठीक है, तो ये चीज मिलती है। और ठीक है, तो इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट साइट है जो कॉपर आपके जो कॉपर एज की है वो है आपके एल्ला, यहाँ से आप ये जालौर के अंदर। इसके अलावा आपके मलाह, यहाँ से आपको क्या है एक कैथोलिक साइट चालकोलिथिक ताम्रपाषाण कालीन की एक वो है जगह है जो भरतपुर के अंदर लोकेटेड है, जहां पर आपको तांबे की बनी तलवारें और हार्पून, हार्पून जो शिकार करने काम में आता है जो एनिमल्स के, और एक लंबी सी डंडी होती है नुकीली सी जो फेंक के मारते हैं निकालकर, बंदूक जैसी गोली बड़ी बहुत बड़ी होती है, तो शिप्स को रोकने के अंदर या मछलियों को मारने के अंदर हार्पून का काम में लिया जाता, हार्पून काम में लिया जाता है, तो वो चीज मिली थी, ठीक है। इसके अलावा एक साइड मिली है किराडोट। अब किराडोट भी है जहां पर आपको 58 कॉपर की चूड़ियां, 58 कॉपर बैंगल्स की देखने को मिली है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको जोधपुरा से मिली है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट, ये आप एग्जाम्पल देख लीजिए, हमें फोटो बता देखिए, ये है आपकी मातृ देवी की फोटो, ये ध्यान रखिएगा आप, ये आपके मातृ देवी की फोटो है। तो ये आपके जो फर्टिलिटी की गॉडेस है जो आपको मैंने पहले बताई थी मातृ देवी, उनकी फोटो देखने को मिली है। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको खेती का ज्ञान था यहाँ पर, इसीलिए आपको एक बुलक कार्ट टाइप देखने को मिलती है चीज, ठीक है, तो मूवमेंट आसान हो गया था। ये उजियाना बुल की इमेजेस हैं ये देखने को मिलती हैं। अब ये आपके जो सुराही बता रहा था ना मैं आपको, ये पीछे का हैंडल हो गया पानी चीजें, सॉरी ये ग्रेनरी एक तरह से ग्रेनरी थी, या जो टूट गए बर्तन इस तरह के मृद भांड मिलते थे देखने को, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये पॉट्स मिलते थे, अब इनका कलर थोड़ा उड़ चुका है इधर उधर, तो येलो रेड ब्राउन कलर के पॉट्स थे ये, ठीक है। तो ये आपके इसके ऊपर इमेजरी मिलती थी इस तरह के बुल्स की इमेजरी बनी हुई है, तो ये सारी चीजें आपको उस समय आपको वहाँ के लोगों में देखने को मिला करती थी, ठीक है। तो आई होप ये आज की लास्ट स्लाइड, ये जो हमेशा मैं बोलता हूँ आपको, अगर आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, तो ध्यान रखिएगा, यू हैव टू डू इट। दिखाने का काम मैंने आपको करा दिया, सुनाने का काम आपको मैंने करा दिया, रिवाइज करने का काम आपको खुद को करना पड़ेगा। सो यू इफ यू डू इट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड देन यू विल बी एबल टू क्लैरिफाई क्लियर योर पेपर ऑफ RAS। ये ध्यान रखिएगा, जरूर से मेहनत करिए इसके ऊपर। कोई डाउट हो अगर आप लाइव क्लास में आप ना भी देख रहे हो तो यू कैन मेंशन इट इन दी कमेंट सेक्शन नीचे, तो मैं आपको लेने से पहले क्लास में देख लिया करूंगा, कोई भी डाउट्स होंगे वो आने वाली इवेंचुअली क्लासेस में मैं क्लियर कर दूंगा। अगर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स क्रैक इट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी क्लासेस के और नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर आप प्लस पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कीजिएगा 10VS, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और आप प्लस पे आइए, बिल्कुल हम लोग सारा जो मेंस का सिलेबस है वो वहीं से डिस्कस करना शुरू करेंगे, और इवेंचुअली आपके प्री एग्जाम आने से पहले दिसंबर तक मेरा पूरा कोर्स, मेरा पूरा प्लान रहेगा कि मैं आपको पूरा कोर्स करवा दूँ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लेकिन प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा व्यू करें इसको, ताकि ये जो आपके टॉप ट्रेंडिंग के अंदर है, ताकि आप लोगों को और इनके बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बहुत बड़ा एक लकून है, बहुत बड़ा गैप है, तो मैं वो भी कवर करना चाह रहा था। तो इसीलिए जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे तो मेरा मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो नॉलेज है मेरे पास, वो आप तभी यूटिलाइज कर पाएंगे जब आप ज़्यादा प्लस पे जुड़ेंगे मेरे साथ। तो प्लीज़ गो हेड, नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, 7560, आप इससे ज़्यादा अमाउंट, और वो भी 2 साल के लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा अमाउंट तो आप आई थिंक 1 महीने रहने के अंदर कर सकते हैं, बाहर रहेंगे तो खर्चा हो जाएगा, तो ये 2 साल के लिए आपको पूरा पैकेज मिल रहा है। सो प्लीज़ गो हेड, ज्वाइन मी ऑन प्लस प्लेटफॉर्म एंड आई विल बी सीइंग यू देयर। दिव्यांश मुझसे पूछ रहे हैं कि 20 कैलेंडर देखिए, RAS का एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर ही होगा, ठीक है, प्री भी और मेंस भी, पर इतना है कि दोनों एग्जाम आपके नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे, ये आपको श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। इतनी तो पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जैसा भी चीजें हैं, अभी वैसे इस साल प्री एग्जाम के होने के चांसेस थे, अगर कोरोना नहीं आया होता तो हर चीज अब 3 से 4 महीने, 5 महीने आगे खिसक चुकी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एग्जाम हम लोग चाह रहे थे कि नवंबर दिसंबर या अक्टूबर के अंदर हो जाए, तो वो फरवरी मार्च तक चला गया है, तो वो तब तक ही क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो लेकिन नेक्स्ट ईयर आपके प्री मेंस दोनों हो जाएंगे, उससे पहले आप लेकिन तैयारी पूरी करके रखें, क्योंकि तो समय लगता है, मैं 6 महीने मान के चल रहा हूँ, हो सकता है 7 महीने भी लग जाए कोर्स पूरा होने में, डिपेंड करता है स्पीड कैसी रहती है, कितना कोर्स चलता है आपका। सो सी यू ऑल टुमारो, कल सुबह 11 बजे मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट लेकर, तभी कल वाला पूरा चैप्टर हो जाएगा सिविलाइजेशन का, पूरा इंग्लिश मीडियम के अंदर। एंड प्लीज ज्वाइन मी ऑन दी प्लस फॉर दी नोट्स एंड एवरीथिंग, एंड आई सी यू गाइस टुमारो, सायोनारा, टेक केयर।